आपको सुपर ऑडियो 20 किलोवाट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इसके एक वीडियो और एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये मशीन, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़ से 50 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। रनिंग फ्रीक्वेंसी अराउंड 30 किलोहर्ट्ज़ होती है। ये मशीन एंड हीटिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। इस मशीन को मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई ऑन करते ही यहाँ पे एक लाल रंग की लाइट जल जाएगी, LED जल जाएगी। और ये हमने यहाँ पे ये इसकी कंट्रोल यूनिट के साथ, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग हीटिंग कॉइल लगाते हैं। हीटिंग कॉइल जॉब के अकॉर्डिंगली होती है। जैसे अभी हमने ये लगभग 25 डायमीटर के हिसाब से बनाई है, 50 की इसके अंदर हीटिंग लेंथ है। तो ये अब रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा फ्रंट पैनल दिखाता हूँ। फ्रंट में एक तो DC वोल्टेज का मीटर लगा है, DC करंट का लगा है, ऑक्सीलेशन करंट का लगा है, टाइमर लगा है, ऑटो मैनुअल लिखा है, स्टॉप और हीट लिखा है, और एक पोर्ट है जिससे हम हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस नॉब के हिसाब से इसको मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको मैनुअल मोड के ऊपर हीट स्टार्ट करता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक कर जाती है और मैं अपनी हीट को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। आप देखिए, जैसे मैं हीट बढ़ाया था तो DC करंट भी बढ़ा, ऑक्सीलेशन करंट भी बढ़ा और यहाँ पे पीस को गर्म होना शुरू हो गया। पहली बार के अंदर क्योंकि मैंने 5 पीस रखे हैं तो हीट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं एक पीस को निकालूंगा, एक को डालूंगा, एक को निकालूंगा, एक को डालूंगा, तो स्पीड अप हो जाएगा। मटेरियल हीट होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी हीट बढ़ा दूं तो हीटिंग स्पीड और भी फास्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये हीटिंग यूनिट 30 किलोवाट सुपर ऑडियो है। इसका यूज हम लोग एंड हीटिंग मशीन में की तरह करते हैं। जैसे बोल्ट का आपने हेड बनाना है या आपने किसी सरिये को बीच में से गर्म करके उसको बेंड करना है या उसको फोर्स करना है या हार्ड करना है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन के लिए आप जिसके अंदर आपको डेप्थ तक, कोर तक आपको गर्म करना है, ये मशीन बहुत सूटेबल है। इस मशीन के अंदर बहुत ही सिंपल फंक्शन है। स्टॉप और हीट ऑटो में लगाएंगे तो ये टाइमर चल जाता है। जितनी देर टाइमर चलता है उतनी देर हमारी मशीन चलती है। जैसे अभी मैंने 10 सेकंड का टाइम दिया था और आप देख सकते हैं 10 सेकंड के अंदर पीस की कितनी हीट है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था इंडक्शन हीटिंग मशीन सुपर ऑडियो फ्रिक्वेंसी 30 किलोवाट के लिए। हमारे पास हर तरह